मुझे अपने पूज्य गुरुदेव प्रॉब्लम महंत अवेद्यनाथ जी महाराज वे पर जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, मैं अक्सर देखता था इन सभी पूज्य संतों के मन में अंतिम क्षण जब उन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनको देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव अशोक सिंगल जी जब देखने के लिए आए थे तो अंतिम बात उनकी यही थी, अशोक सिंगल जी से एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो पाएगा, एक बार हम अपनी आंखों से देख पाते भगवान राम के मंदिर को तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, धन्य हो जाता। बहनों और भाइयों, आज सचमुच जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे होंगे, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, विपराग स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत संतों की परंपरा और सदैव अशोक सिंगल जी जैसे महापुरुष जब देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला को अपनी जन्मभूमि पर पांच सदी के बाद विराजमान होते हुए उन्होंने देखा होगा, आज उनको भी तसल्ली हो रही होगी कि जो आंदोलन उन्होंने किया था वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ा है। इसकी सार्थकता हम में है, वर्तमान पीढ़ी में है। हमारी दिशा क्या है? हम विभाजित तो नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ तो नहीं रहे हैं। हमारी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इस सकारात्मक दिशा राष्ट्र को समर्पण की होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्र के आगे आड़े नहीं आना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, चाहे वह व्यक्ति हो, जाति हो, मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई क्षेत्र हो या कोई भाषा, वह राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है। हर काम देश के नाम, हर काम राष्ट्र के नाम, भारत माता के नाम हमारा सब कुछ होना चाहिए। और यही अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की कथा हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रही है।